डोर एंड विंडो को इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले हम इसके अपर पोर्शन को क्लोज कर देते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले हम इस ग्रुप को एक्टिव करते हैं। इस ग्रुप को एक्टिव करने के लिए इस पर डबल क्लिक करेंगे। ये एक्टिव हो गया। 7 फिट के हाइट पे हमें गाइडलाइन शो कर लेते हैं टेप का यूज़ करके। लाइन टूल से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, और एक लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। पुश पुल का यूज़ करके हम इसे मिला लेते हैं यहाँ पे, और इसको यहाँ से यहाँ मिला लेते हैं। सेम प्रोसेस हम यहाँ पे भी कर लेते हैं। पुश पुल टूल का यूज़ करके हम इसको यहाँ से यहाँ मिला लेते हैं, और सेम प्रोसेस यहाँ भी कर लेते हैं। पुश पुल टूल का यूज़ करके हम इसको ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मिला देते हैं, और इस पॉइंट को इस पॉइंट तक मिला देते हैं। सेम प्रोसेस हम इनसाइड भी कर लेते हैं। यहाँ पे भी पुश पुल टूल का यूज़ करके हम इसको यहाँ से यहाँ मिला देंगे, और इस पॉइंट से इस पॉइंट को यहाँ मिला देंगे। इसको यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करके मिलाएंगे हम इसको, और इसको यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर देंगे, मिला देंगे। बच गया हमारा एक ये किचन का डोर, इसे भी हम यहाँ से यहाँ मिला देंगे। सेम प्रोसेस, लाइन टूल से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। पुश पुल टूल का यूज़ करके हम इसको यहाँ से यहाँ मिला देंगे। एक्स्ट्रा लाइनों को हम इरेज कर देंगे यहाँ से। हमारा ये मेन डोर रह गया है, हम इसको भी मिला लेते हैं। लाइन टूल से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। पुश पुल टूल का यूज़ करके हम इसको यहाँ मिला लेंगे। इसमें एक्स्ट्रा लाइन को डिलीट कर लेंगे, इरेज कर लेंगे। अब ये हमारा स्ट्रक्चर बनकर तैयार है। गाइडलाइंस को हम डिलीट कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक विंडो क्रिएट करेंगे। विंडो क्रिएट करने के लिए हम रेक्टेंगल टूल का यूज़ करेंगे। रेक्टेंगल टूल हमने सेलेक्ट किया, एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, इसको हमने डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करके हम मेक ए ग्रुप पर क्लिक करके ग्रुप बना लेंगे। इसका नाम यहाँ पे हम इंडिकेट करेंगे, विंडो। हम इसे बाहर की तरफ मूव कर लेते हैं। ऑफसेट टूल से हम इसके फ्रेम को क्रिएट करेंगे। लाइन टूल से हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ऑफसेट से हम इसके फ्रेम को क्रिएट करेंगे 1 इंच। ये क्रिएट हो गया है। अब हम इस एक्स्ट्रा लाइन को इरेज कर देंगे। अब हम इसके अंदर मटेरियल्स को फिल करेंगे पेंट बुकेट से। तो सबसे पहले हम मटेरियल्स में क्लिक करेंगे। ओड्स को लेंगे, ये हमारा ग्लास है, इसलिए हम यहाँ पे ग्लास का टेक्सचर लेंगे। हम यहाँ पे ग्लास एंड मिरर का टेक्सचर सेलेक्ट करेंगे। हम इसमें ग्लास फिल कर दिए। अब ये हमारा डोर 2D की शक्ल में रेडी है। इस साइड में अभी हम इसको ये हमने फिल कर दिया है। अब हम पुश पुल कमांड से इसे पुल करेंगे बाहर की तरफ 1 इंच, और इस फ्रेम को भी हम 1/2 इंच पुल करेंगे। इस साइड से भी हम 1 इंच पुल करेंगे, और इसको 1/2 इंच। इस तरह ये हमारा विंडो रेडी है।
अब हम इसे मूव टूल का यूज़ करके इसे इंस्टॉल कर लेंगे यहाँ पे। ये हमारा विंडो इंस्टॉल हो चुका है। सेकंड विंडो को इंस्टॉल करने के लिए हम इसका एक कॉपी बनाएंगे। मूव टूल से हम इसे मूव करके सेकंड में इंस्टॉल कर लेते हैं। ये हमारा सेकंड विंडो भी इंस्टॉल हो गया। ये हमारा सेकंड विंडो भी इंस्टॉल हो चुका है। इस विंडो का भी हम एक कॉपी करेंगे। चलिए यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं और मूव टूल से हम इसे मूव कर लेते हैं। रोटेट टूल का यूज़ करके हम इसे रोटेट कर लेंगे 90 डिग्री पे। हमने इसको रोटेट कर लिया और अब हम इसे यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। मूव टूल से हमें इसे मूव करना है और यहाँ पे ये यहाँ पे फिट हो गया है। अब हम स्केल टूल का यूज़ करके इसे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ड्रैग कर दिए। ये हमारा थर्ड विंडो इंस्टॉल हो गया। इसे हम थोड़ा सा सेंटर में मूव करेंगे। इस तरह से ये सेंटर में मूव हो गया है। ये हमारा विंडो नंबर 3 इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इसके एक कॉपी को और मूव करेंगे यहाँ से और इस किचन के विंडो को हम इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे। स्केल टूल से हम इसे मूव करेंगे अंदर की तरफ, पुश करेंगे। ये हमारा किचन का विंडो इंस्टॉल हो चुका है। हम इसका एक कॉपी और करेंगे। रोटेट से हम इसे रोटेट कर लेंगे। रोटेट टूल के यूज़ करके हम इसे रोटेट कर लेते हैं। नाइन्टी डिग्री पे रोटेट करेंगे। स्केल टूल से हम इसको स्केल कर लेते हैं। मूव टूल से हम इसे थोड़ा सा सेंटर में करेंगे। इसको इस तरह ही हो गया सेंटर में। इस तरह से देखिए हमारा विंडो इंस्टॉल हो चुका है। इस तरह से हमने इस स्ट्रक्चर में विंडो को इंस्टॉल कर लिया है। अभी हमारा डोर इंस्टॉल करना बाकी है। आई होप कि वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। डोर हम अगले वीडियो में इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करना बताएंगे।